हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सो जैसा कि आप थंबनेल में देख ही सकते हैं कि आज अपनी वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो कवर करने वाले हैं ओके सो द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू कवर इज फर्स्ट इज एवन एस टू थाउजेंड ट्वेंटी वन कट ऑफ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कट ऑफ एंड कट ऑफ को देखेंगे सेकेंड कि एग्जाम का रिजल्ट कब तक आएगा एंड इंटरव्यू कब तक होगा एंड नेक्स्ट थिंग इज कि एज़ यू ऑल आस्किंग विच शिफ्ट वॉज ई ई ईजी एंड टफ सो इसका वैसे क्वेश्चन का कोई मतलब तो नहीं है बट फिर भी आप पूछ रहे हैं सो आई विल आंसर इट अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन सो लेट एस स्टार्ट सो फर्स्टली इफ यू टॉक अबाउट एम एस टू थाउजेंड ट्वेंटी पेपर सो एग्ज़ाम जो था कोरोना के कारण आपका सितंबर में हुआ था देन रिजल्ट जो है वो अक्टूबर में आ गया था इलेवेन्थ सितंबर को आपका एग्जाम हुआ था एंड एट और नाइन अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ गया था एंड इंटरव्यू जो था वो अक्टूबर के मतलब रिजल्ट आने के एक वीक बाद ही हो गया था मतलब फोर टू फाइव डेज आपको मिले थे इंटरव्यू की प्रिपेसन के लिए एंड इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था सो so, इसके प्रिडिक्शन के हिसाब से हम टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं सो लेट अस डू दैट सो सी एम एन एस टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का जो एग्ज़ाम है वो हुआ है आपका जुलाई को ओके दैट वॉज ट्वेंटी एथ जुलाई सो रिजल्ट जो है आपका लास्ट वीक ऑफ ऑगस्ट या फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेंबर में आ सकता है बट द मोस्ट प्रोबेबल थिंग इज कि वो फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर में ही आएगा बिकॉज आपका एग्ज़ाम 2020 का 11 सेप्टेम्बर को हुआ था तो 8 या 9 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ गया था बट इस बार जो आपका एग्ज़ाम है ट्वेंटी जुलाई को हुआ है यानी कि जो मंथ है वो एंड ही होने वाला है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका रिज़ल्ट जो है वो सेप्टेंबर की फर्स्ट वीक में आएगा देन इंटरव्यू इंटरव्यू आपका जैसे ही जिस दिन रिज़ल्ट आ जाएगा उसके वन वीक ही आप मान के चलो यहाँ पे मैंने वन पॉइंट फाइव वीक लिखा है अगर कुछ डिले हो गया वरना वन वीक के अंदर आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट थिंग इज विच शिफ्ट वॉज मोर ईजी शिफ्ट वन के कम्पेरेटिवली और शिफ्ट टू के कम्पेरेटिवली कौन सी शिफ्ट जो थी वो ज़्यादा ईजी थी सो एज पर माई ओपिनियन ऑन स्टूडेंट रिव्यू आई हैव सीन दैट शिफ्ट वन वॉज मोर बेटर देन द सेकेंड वन ओके शिफ्ट वन में प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी रिपीटेड थे लाइक like वो पिन कोड वाला क्वेश्चन था देन टाइफॉइड टेस्ट वाला क्वेश्चन था ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो थे वो रिपीटेड थे नेक्स्ट इज डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे आपको जीके एंड इंग्लिश में कोई भी आपको घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछा गया था डायरेक्टली दे वर आस्किंग यू नेक्स्ट इज़ सिंपल वो कैबलरी पोर्शन आया था इंग्लिश के अंदर लाइक सिनोनियम्स एंड टोनियम्स वानवर सब्सिट्यूशन सिंपल आए थे नेक्स्ट इज़ कवर्ड कॉमन टॉपिक्स ऐसे जो कॉमन टॉपिक्स जो सबको पता होते हैं कि इंपॉर्टेंट है वो शिफ्ट वन के अंदर कवर किए गए थे लाइक इंपॉर्टेंट डेज इंपॉर्टेंट डेज़ के थ्री क्वेश्चंस आए थे शिफ्ट वन में बट शिफ्ट टू में एक भी क्वेश्चन नहीं आया रिवर्स uh, के बेसिस पे दो क्वेश्चन आए थे सो so, ये कुछ कॉमन टॉपिक्स थे जिसके बेसिस पे शिफ्ट वन में क्वेश्चन आए हैं और इंग्लिश भी थी वो काफ़ी सिंपल थी सो एज़ पर स्टूडेंट्स रिव्यू शिफ्ट वन वॉज़ मोर ईजी देन शिफ्ट सेकेंड ऐसा नहीं है कि शिफ्ट टू भी बहुत टफ थी इस बार का जो एग्जाम था 2020 के कंपैरेटिवली इजी था दोनों ही शिफ्ट्स ओके बट शिफ्ट वन और शिफ्ट टू में अगर कंपैरिजन करें तो शिफ्ट वन जो थी वो ज़्यादा इजी थी एज कम्पेरिजन टू शिफ्ट टू अदरवाइज शिफ्ट टू में भी इस बार सिंपल ही क्वेश्चन आए थे नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तो यही है सबका कॉमन क्वेश्चन की कट ऑफ कितनी जा सकती है जस्ट वी ओके जस्ट वेट एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर आप देखे जाए तो हम अगर प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से बात करें तो प्रीवियस ईयर हमारे 2018 में कट ऑफ़ थी 97 सेवन 2019 में 110 थी एंड 2020 में 116 थी इससे पहले 2017 में 86 थी सो कट ऑफ जो है आप देख ही सकते हो कि लास्ट ईयर्स में कैसे इंक्रीज़ कर रही है जबकि 2020 का पेपर जो है वो डिफिकल्ट भी आया था एज कम्पेरिजन टू लास्ट ईयर्स ओके और इस बार फिर से 2020 का पेपर इजी आया है मॉडरेट लेवल का था सो so, इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वन प्लस ही कट ऑफ जाएगी या वन के राउंड जाएगी बस मोस्ट प्रोबेबली वन प्लस ही जाएगी और ऐसा क्यों कहा जा रहा है क्योंकि जो पोल शेयर किए हुए हैं ग्रुप में एंड जो स्टूडेंट्स के रिव्यू हैं जिन्होंने अच्छे से तैयारी की थी मैनी स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टिंग मार्क्स मोर देन वन थर्टी एंड मैनी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन वन ट्वेंटी सो कट ऑफ जो है वो वन ट्वेंटी प्लस ही जाएगी इससे कम नहीं जाएगी इससे ज़्यादा ही जाएगी एंड नेक्स्ट इज ये वही लिखा है कि एज़ पर स्टूडेंट्स रिव्यू पेपर सीम टू बी ईजी और अगर पेपर ईजी है सबको आता था तो कट ऑफ ऑब्वियसली इंक्रीज ही होगी नेक्स्ट बात करते हैं हम एम एन एस टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का एग्ज़ाम कब होगा तो बेसिकली एम एन एस का एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में ही होता है ये लास्ट टू ईयर से क्योंकि कोरोना था तो लास्ट ईयर भी सेप्टेम्बर में हुआ इस ईयर भी जुलाई में हुआ बट सेप्टेम्बर बहुत लेट था इस बार जुलाई जो है वो थोड़ा पहले ही था टाइम पे ही था और नेक्स्ट ईयर वाला मार्च या अप्रैल में ही हो सकता है एज एज़ यूजल जहाँ पर एम एन एस टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का एम एन एस एग्ज़ाम जो है मार्च अप्रैल में ही होता है सो so, अगर सब कुछ कंडीशंस नॉर्मल रही कोरोना ठीक रहा तो so, मार्च या अप्रैल में ही आपका एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट थिंग वेन टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर एम एन एस टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सो देखो ये सिंपल सी बात है चाहे आपको बुरा लगे चाहे ना लगे सब ने क्योंकि मेहनत करके एग्जाम दिया है तो उन्हें शायद ये बात अच्छी नहीं लग सकती है बट सच सच है एंड जो स्टूडेंट्स अपने मार्क्स जैसे कल मैंने शिफ्ट वन के आंसर्स जो हैं कम्प्लीटली वीडियो अपलोड कर दी थी आज शिफ्ट टू की भी आ जाएगी तो ऑब्वियसली आप उन वीडियोस को देख के अपने मार्क्स तो अभी तक जान ही गए होंगे कि आपके कितने मार्क्स आएंगे सो so, सच्चाई आप जान चुके हो अगर आपके मार्क्स 116 प्लस हैं तो आप रिजल्ट तक वेट करने की उम्मीद रख सकते हो और ऐसा नहीं कि फ़्री है ना आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है ठीक है और जिनके मार्क्स वन ट्वेंटी प्लस हैं वो तो ऑब्वियसली जो है इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करो और जिनके वन सिक्सटीन प्लस भी हैं वो थोड़ा इंटरव्यू पे फोकस करो एंड साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी स्टार्ट कर दो नेक्स्ट थिंग इज़ कि जिन स्टूडेंट्स के वन हंड्रेड सिक्सटीन से कम मार्क्स हैं या मान वन हंड्रेड सिक्सटीन से कम मार्क्स हैं तो वो अपना अभी से ही तैयारी करनी शुरू कर दो बिकॉज आप ये मत सोचो कि मेरा इस साल नहीं हुआ आप ये सोचो कि मार्च अप्रैल भी आने ही वाला है और आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये प्रोसीजर्स ख़त्म होते होते आपका एग्ज़ाम आ जाएगा एंड आपको फॉर्म्स फिल करने होंगे तो आपके लिए फिर से एक अपॉर्चुनिटी आएगी तो आपको ये सोचो कि मैंने इस बार भी पढ़ा था और अब मेरे को थोड़ा और एक्सपीरियंस मिल गया तो मैं उन टॉपिक्स को भी पढ़ूंगी एंड नेक्स्ट ईयर मेरी सिलेक्शन पक्का होगी तो अगर आप चाहते हो कि आपकी सिलेक्शन के चांसेस इन्हांस हो जाए तो अभी से ही टू ट्वेंटी टू की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो वेट बिल्कुल मत करो ठीक है नेक्स्ट थिंग बस इतना ही था आज की वीडियो में स्टिल मैंने कोशिश की है कि सारे डाउट्स आपके लिए क्लियर कर दूँ अगर फिर भी कोई आपको डाउट रह गया है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन सो ज्वाइन आर टेलीग्राम ग्रुप मैं आपको और कोई इंस्टा पे भी हमारा अकाउंट है मैं आपको कभी नहीं बोलती फॉलो करो बट टेलीग्राम का मेक श्योर sure कि आप फॉलो करो बिकॉज अभी टू की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी तो उसी में ही सारे नोट्स पी एंड ऑल आएंगे क्विज भी हुआ करेंगे एंड अभी जब तक आपका टू का सारा सिलेक्शन खत्म नहीं हो जाता तो आपको अपडेट्स पे मिलते रहेंगे एंड नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करना हर एक एम एन के पास ये वीडियो पहुंच जाए ताकि वो भी इनको भी सारे क्वेश्चन उनके सॉल्व हो सकें सो थैंक यू सो मच जय हिंद